था जिसकी मदद से हरिचरण खेतों में काम करता था। आ, 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 हर हर खाले खाले। अरे अरे इतना चारा क्यों खिला रहे हो, इसका हमें फायदा ही क्या है? अरे खेतों में बहुत काम होता है भगवान, तुम तो इसके पीछे ही पड़ी रहती हो। पर हरिचरण के कहने पर भी रुद्रमा थोड़ा सा चारा उठाकर ले जाती है और हरिचरण अगर कहीं बाहर जाता तो रुद्रमा उसे चारा खाने को भी ना देती। बैल पूरे दिन पुकारता मगर रुद्रमा उसे बस ताने ही मारती। रुक जा अभी बताती हूँ तुझे, पूरे दिन बस शोर करता है, एक दिन नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। अपनी पत्नी को जानते हुए भी हरिचरण बैल का ध्यान न रखता, खेतों में काम कराता, उसके ऊपर बोझा ढोता। एक दिन की बात है, रुद्रमा बहुत सारी लकड़ियां खेतों से काट कर लाया। हाय मैं मर गई, कितनी भारी हैं ये लकड़ियां। तो किसने कहा था इतनी लकड़ियां लाने को? हाँ तुम अपनी बैल की सेवा करो, एक गिलास पानी तक तो पूछ नहीं रहे हो। हाँ हाँ लाता हूँ लाता हूँ। फिर उसी रात को आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। रुद्रमा की आंखें खुल जाती हैं। हाय रे बारिश में मेरी तो लकड़ियां ही भीग जाएंगी। रुद्रमा भागकर जाती है तो देखती है कि लकड़ियां भीग रही हैं। घर में बैल की जगह को छोड़कर कहीं जगह नहीं थी जहां लकड़ियों को रखा जा सके, तो रुद्रमा बिना सोचे समझे बैल को खोलकर बारिश में खड़ा कर देती है और लकड़ियों को बैल की जगह रख देती है और जाकर घर में सो जाती है। बारिश और तेज हो गई, रात भी गहरा रही थी, तो बैल खुद के बचाव में वहां से निकल गया और चलते चलते रात के अंधेरे में जंगल की ओर चला जाता है। फिर एक घना पेड़ आता है जिसके नीचे जाकर बैल खड़ा हो जाता है और दुखी होकर चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज से पेड़ पर सो रही चुड़ैल की आंख खुल जाती है। कौन है जो रात में भी चैन से सोने नहीं देता? फिर चुड़ैल देखती है कि पेड़ के नीचे एक बैल खड़ा है। भला इतने घने जंगल में ये यहाँ, वो भी इतनी रात में क्या कर रहा है? मनुष्य तो मनुष्य, आजकल पशुओं का भी कुछ पता नहीं चलता कब क्या करते रहते हैं। पर मुझे क्या, मुझे तो बस एक शरीर चाहिए, फिर वो किसी का भी हो। और चुड़ैल उस बैल के अंदर प्रवेश कर लेती है। कुछ ही देर में बारिश बंद हो जाती है तो बैल मैदान में जाकर घास चरने लग जाता है। इधर हरिचरण बैल को बाड़े में ना पाकर बहुत परेशान होता है। अरे भगवान बैल कहाँ गया, यहाँ तो लकड़ियां ही पड़ी हैं। यहीं तो था रात को, मैंने उसे यहीं छोड़ा था, पता नहीं कहाँ गया। तुम और तुम्हारा बैल खुद ढूंढ लो। सुबह से शाम हो गई मगर बैल अब तक घर नहीं आया। अरे रात होने को आई है मगर बैल अभी तक नहीं आया, अब मैं क्या करूं, कैसे खेती होगी? तभी रुद्रमा देखती है कि बैल दूर से चला आ रहा है। वो देखो आ गया, क्यों इतना रो रहे हो? और बैल को बाड़े में बांध कर दोनों सो जाते हैं। सुबह जब हरिचरण बैल को चारा देता है तब रुद्रमा बैल के सामने से चारा उठाने लगती है, तब बैल सिंगे से उसे टक्कर मार देता है। हाय मैं मर गई, नाच जाए तेरा, आई टूट गई मेरी कमर। कुछ दिन से खेतों में भी बैल सुस्त रहने लगा, बस बैठा रहता और हरिचरण जब उस पर बोझ लादता तो वो आगे एक कदम ना बढ़ाता। बैल का ये रवैया देखकर हरिचरण भी परेशान हो गया। पता नहीं इसे क्या हो गया है, आजकल बड़ा सुस्त रहता है। मैं तो पहले ही कहती थी ये कुछ काम का नहीं है। हरिचरण घर के काम से बाहर जाता है तो उसे आने में कुछ देर हो जाती है। बैल उधर भूख के मारे शोर करने लगता है। अरे बस कर, क्यों जीना हराम कर रखा है मेरा? मैंने तेरा जीना हराम कर रखा है या तूने मेरा जीना हराम कर रखा है? चल मेरे लिए चारा लेकर आ, और हाँ इस बार मेरा चारा उठाया तो सींगों से इतनी दूर फेंकूंगा कि मिल नहीं पाएगी। तुम बोल सकते हो? हाँ और ज्यादा चालाकी की तो मार भी सकता हूँ, समझी? तेरी कमर तो मैं अभी तोड़ूंगा। आई मैं मर गई, कोई तो मुझे बचाओ। आई
आई, कोई तो बचाओ। और बैल रुद्रमा के पीछे भागने लगता है। रुद्रमा आगे आगे और बैल पीछे पीछे। फिर एकदम बैल गायब हो जाता है और ढूंढने पर वह बाड़े में मिलता है। रुद्रमा जल्दी से ढेर सारा चारा बैल को दे देती है और हरिचरण के आते ही, अजी सुनते हो, ये बैल नहीं है, बला है बला। ये तुम क्या कह रही हो? इतना क्या हैरान हो रहा है तू? तू भी तो सारा दिन मुझसे खेत में काम कराता है, मुझ पर मेरे वजन से ज्यादा बोझा डालता है। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, तुम बेजुबान जानवर पर इतने जुल्म ढाते हो और खाने के लिए भी पेट भर खाना नहीं देते हो। भागो रे, इसमें तो भूत है। अरे रुक, कहाँ भागी जा रही है? मैं भूत हूँ या तू भूत है? अब तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ तुम जानवरों से ठीक से पेश आओ और इंसानियत को ना भूलो। मैं चुड़ैल होकर इंसानियत की सोचती हूँ, तुम इंसान होकर इतने बेरहम कैसे हो गए? मन तो करता है दोनों को सींगों पे उठाकर दूर फेंक दूं। मुझे माफ कर दो, आगे से मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। ठीक है, मैं आसपास ही रहूंगी। अगर मुझे लगा कि तुमने कोई चालाकी की है और इस बेजुबान जानवर को परेशान किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल जंगल में चली जाती है और हरिचरण और रुद्रमा अब बैल का खूब ख्याल रखते और खाने को भी भरपेट देते। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बेजुबान जानवरों का ख्याल रखना चाहिए और कभी भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।